बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब आप नथिया गली से मरी की तरफ आते हैं तो जस्ट 1 किलोमीटर के ऊपर ये डूंगा गली आ जाती है। यहाँ पर ये एक्चुअली कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ये नथिया गली का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे होटल हैं, होटल क्राउन पैलेस है और होटल अमोर देख सकते हैं आप। इसके लेफ्ट साइड ऊपर एक चर्च भी है और ये देखें, इट्स ए वंडरफुल प्लेस। मस्जिद भी यहाँ पर है और यहाँ पर अगर आप आएँ तो बच्चों के साथ यू कैन एंजॉय। और शॉपिंग प्लेस है, आजकल तो सर्दी हो चुकी है, इस वक्त इट इज़ मिड ऑफ अक्टूबर, और तो इसमें यह है कि थोड़ी सी सर्दी है लेकिन इतनी सर्दी नहीं आई जितनी नॉर्मली आती, क्योंकि अक्टूबर में ये काफ़ी बुलंदी है, नथिया गली 10,000 से प्लस है, तो यहाँ पर वो अक्सर ये बर्फ़ पड़ जाती है। तो इस वक्त जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं दे आर एंजॉइंग विद द वेदर, लेकिन सर्दी कम है, रात को तो डेफिनेटली हो जाती है। हम तो मरी तक आए थे, आगे आ गए हैं, तो मरी में तो खास सर्दी नहीं थी लेकिन यहाँ सर्दी ज़्यादा है। यहाँ मस्जिद से जब वुजू किया तो पानी बहुत ठंडा था, तो दिस इज़ गुड प्लेस। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा सा आगे निकले हैं, तो अगर आपको एक जगह की एक और खूबी ये बताते हैं कि ये जगह जिधर अभी हम जा रहे हैं ये खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में आती है, KPK में है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो चेक पोस्ट आ जाएगा, वो चेक पोस्ट से आगे वो सारा एरिया वो पंजाब में आ जाता है। तो टूरिस्ट जो है वो यानी एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में चले जाते हैं, लेकिन प्लेस ऑलमोस्ट सेम ही है। दैट मीन्स कि आप मरी आते हैं, मरी से आप अयूबिया आ जाते हैं, अयूबिया से आप नथिया गली चले जाते हैं, तो नथिया गली सूबा खैबर पख्तूनख्वा में चला जाता है, मरी जो है वो उसका ज़िला रावलपिंडी है और वो पंजाब में आ जाता है। और ये ज़बरदस्त किस्म की रोड है, ये FWO ने मेरा ख्याल है कि कम से कम 15-20 साल पहले बनाई थी, पहले ये सिंगल रोड होती थी। अभी टूरिस्ट का जो रश था मरी से वो निकल के आगे इस रोड पे है, इसके दाएं बाएं बेशुमार खूबसूरत और बहुत पुर लुत्फ है यहाँ पर मकामात हैं। ये देखे सामने बंदर हैं, ये वो बंदर हैं जो कि मरी वाले नहीं हैं, ये नथिया गली वाले हैं, अयूबिया के हैं, लेकिन बंदर तो सब बंदर ही हैं, उनकी खसलते हैं इसी तरह हैं कि वो इनसे थोड़ा बचना ये इसलिए ज़रूरी है कि इनकी मेन ज़रूरत यही होती है कि इनको कुछ ना कुछ चीज़ खाने के दिया जाए। अगर आपने चिप्स के पैकेट 10 हैं आपके पास, एक दो आपने दिए, बाकी ये खुद ही छीन लेंगे। इट्स ए वंडरफुल प्लेस। और अभी हम ये देखें राइट पे देखें, इतना खूबसूरत एरिया, और वी आर लकी दैट वी वर हेयर, और आई प्रे के आप भी आए हैं इस खूबसूरत जगह को देखें, नथिया गली और उसके इर्द गिर्द के एरिया जितना भी है, इट इज़ ए गुड प्लेस टू विजिट। थैंक यू वेरी मच।